माला पहना दी कलर में बोले काली नाथ अकुर तांत्रिक विधि नहीं है जो तांत्रिक जो होते हैं वो बुरा काम सब सब काम करते हैं तो देखे कि नहीं सर क्या अच्छा क्या बुरा क्या है किसी बुरा करना बोले वो भी कर देंगे पर आजकल लोग अकुर में बोलते हैं ऐसा कि मैं अकुर ही हूँ अगर तांत्रिक तो बोले अकुर ही हूँ अकुर का मंत्र पूरा अलग है अरे भगवान देव सिंह मंत्र चला रहा है तो सारे नवनाथ गुरुओं ने बाकी जितने गुरुओं ने जपा है मंत्र मेरे गुरु तक तब से वो चला आ रहा है तो जितने गुरुओं ने सिद्धि हासिल की होगी तो सबका फल वो सब मिलता है जो गुरु मंत्र है गुरु मंत्र आपके जीवन में बहुत जरूरी है जैसा पुराने यहाँ चल रहा होगा ये जो यहाँ से गुरु मंत्र मिला है कितना प्रभावी है उसको तो बहुत अनुभव भी होता है और किसी किसी को इतना ज्यादा अनुभव होता है कि डर के मारे कुछ दिन की साधना किसने छोड़ दी थी कपिल ने एक बार छोड़ दी हाँ तो इतना प्रभावी मंत्र है वो क्योंकि गुरु मेरे गुरु उनके गुरु ऐसे गुरु के गुरु वो सब द्वारा जपा गया है सदियों से चला रहा है मंत्र गुरु जपा है वो तो जितने गुरुओं जितनी सिद्धियाँ की होगी ना सबका फल हमको मिलता है हमारा कुछ काम रुका हुआ है कुछ अच्छा आ रही है कुछ कुछ काम नहीं बन रहा वो सब में सब रुका चली जाती है साथ और गुरु मंत्र करने का एक ही पावर होता है कि तुम्हारी खुद की बॉडी की ऊर्जा बढ़ती है दूसरा ये कि तुम्हारा कनेक्शन गुरु से होता है कुछ समय बाद तुमको गुरु से नहीं बातचीत करना हो मुझे अगर मेरे गुरु से बात करी मेरे गुरु भ्रमण करते रहते हैं कभी यहाँ एक जगह नहीं ठहरते आज यहाँ पे अहमदाबाद में हो गए तो पता नहीं कल सुबह कहीं दिल्ली पहुँच गए होंगे वरना कहीं और पहुँच गए होंगे कुछ लकी नहीं होता कभी गुफा में मैक्सिमम अधिकतर साधना करते रहते हैं तो गुरु का ऐसा रहता है कि वो तुम जब कनेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें कुछ जानना है कुछ पूछना है गुरु को तुम साधना बैठे होंगे तुम उनसे सवाल करो तुमको सवाल का जवाब मिल जाएगा घरे बैठे बैठे वहाँ जाना नहीं पड़ेगा पूछने के लिए और जब एक समय ऐसा आता है गुरु मंत्र साधना में जब आप गुरु मंत्र का जाप बहुत कर लेते हो उस समय आपको गुरु जैसे इनविजिबल रूप में पारदर्शी रूप में जैसे हम पारदर्शी बोलते हैं आप वैसे भी गुरु का जो सूक्ष्म शरीर होता है उससे आमने सामने बात कर सकते हो तो आपकी जो भी समस्या है वो सूक्ष्म शरीर गुरु को देगा गुरु को आभास हो जाएगा कि मेरे शिष्य ने मुझे याद किया है और आपके जो भी प्रश्न है या कहीं किसी चीज़ में आप अचानक से अटक गए और गुरु से संपर्क नहीं हो पा रहा तो आप गुरु मंत्र का जाप करो गुरु मंत्र का ध्यान करो और आपको अपने आप जवाब मिले तो ये गुरु मंत्र अघोर का जो असली गुरु मंत्र होगा उसकी ये ताकत है कभी कोई भी कोई तंत्र करता है तंत्र तुम पे डायरेक्ट नहीं आता कभी भी तुमको भी नहीं आता गुरु से होके आता है वो सारा असर मेरे पे होता है मेरे में जो कुछ करता मेरे को नहीं पता क्या होता है इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है कि षटकर्म तक कर देता है उसका प्रयोग भी कर रहे हैं उसका षटकर्म तक हो जाता है पर सही मन अपनी जो इच्छा शक्ति है वो सही होना चाहिए कोई गलत काम के लिए नहीं तो आप उस गुरु मंत्र को मतलब बहुत आगे तक लेके जा सकते हो नहीं नहीं गुरु मंत्र अघोर में कोई नियम नहीं होता जैसा कि अघोर का अर्थ ही है जो घोर नहीं है जो कठिन नहीं है जो सरल है अघोर का मतलब क्या कि नारियल जो क्या नारियल छिला हुआ कठोरता ऊपर से एकदम होता है जो स्वप्न के अंदर अघोर से ऐसा ही है अघोर नाम ऐसा लगता है कि अघोर के बहुत स्ट्रांग है अंदर सॉफ्टी है तो कभी भी अघोर का मतलब जो घोर नहीं है वो सरल है एकदम सरल है वो कभी गलत प्रयोग कभी नहीं करना उसका के भले के लिए करो दूसरे भले के लिए करो तो ठीक है दूसरी बात की तांत्रिक और कपालिक में जितने नियम होते हैं उतने अघोर में नहीं होते अघोर सिर्फ भाव से काम करता है आप अच्छी इच्छा शक्ति लेके करो अगर आपके पास भोग भी नहीं है आपके पास सामग्री नहीं है कुछ भी नहीं है ना जगह है ना आसन है कुछ नहीं है तो आप ऐसे ही बैठ जाओ जंगल में जाके या कुछ नहीं जिस परिस्थिति में भी हो आप बैठ जाओ बस ध्यान करो उसी से आपका काम हो जाएगा पहले के समय में तो नहीं थे इतने नियम